पत्नी से तलाक को लेकर ससुराल पक्ष लगातार निगम कर्मी पर दबाव बना रहा था। परेशान आरोपी ने चाकू मारकर साड़ू को मौत के हवाले कर दिया। वहीं सास पर हमला कर साली की हत्या की फिराक में घूम रहा था, जहां पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल परदेशीपुरा थाना के सामने कल्याण मील में हेमंत मौर्य नामक युवक की हत्या के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई। पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए एमवाय अस्पताल भिजवाया। पुलिस ने हत्याकांड के मामले में 24 घंटे के भीतर ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए आरोपी दीपक पांडे ने बताया कि साली, सास और साड़ू द्वारा आरोपी का उसकी पत्नी से तलाक कराया जा रहा था और आए दिन साड़ू उसे गालियां देता था। परेशान और हताश होकर दीपक ने चाकू से गला रेत कर साड़ू हेमंत मोरे की हत्या कर मूसाखेड़ी पहुंचा, जहां सास पर भी हमला किया जिससे वो बुरी तरह घायल हो गई। वहीं साली की हत्या के लिए आरोपी उसकी तलाश कर रहा था, इससे पहले ही वो पुलिस के हत्थे चढ़ गया। आरोपी दीपक नगर निगम में ड्राइवर का काम करता है और घटना की असली वजह पत्नी से तलाक कराने के चलते उसे ये कदम उठाना पड़ा। आए दिन गाली रखना। अब उसको और उसकी औरत को क्या जरूरत मेरी वाइफ से तलाक करवाने। मैं कल जो है परदेशीपुरा थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति ने जो है अपने ही साड़ू भाई की हत्या कर दी थी। इसमें जो मृतक हैं वो हेमंत मोरे हैं और ये कपिल पंडित नाम का आदमी है जिसने इनको मारा था। और जो हत्या की मुख्य वजह है जो सामने आ रही है कि ये जो कपिल पंडित है इसका इसकी पत्नी से जो है इसका विवाद चल रहा था पंडित का। और ये जो है इसको लगता था कि इसका जो साड़ू भाई है साली और ये जो सास है वो इसको भड़काते हैं। और उसने जो है कोर्ट चलने के बहाने इसने हेमंत मोरे को इसने बुलवाया था और बुलवाने के बाद इसकी जो है इसने हत्या कर दी। और अपने साड़ू भाई की हत्या करने के बाद ये आज़ाद नगर में भी गया था। आज़ाद नगर में इसने अपने सास पे भी हमला किया और यदि ये नहीं पकड़ा जाता तो ये था कि ये हो सकता है कि अपनी साली को भी ये मार देता। तो पुलिस ने इस पे तत्परता से काम किया और ये जो है पुलिस की गिरफ्त में आ गया। राजनगर के पास में राजनगर थाना क्षेत्र गड़बड़ी पुलिया के पास पुलिस ने इसको राउंड अप पकड़ लिया है। हाँ, इसमें जो है ये बात पता चली है कि यदि ये नहीं पकड़ा जाता तो ये अपनी साली को भी मार देता। इसी गिरफ्तारी आज